प्रदेश की दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा और कांग्रेस जहां पहले से ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने में जुटी हुई है, वहीं अब जनता सेना के संस्थापक और भाजपा के बागी नेता रणधीर सिंह भिंडर ने भी अपने कार्यकर्ताओं से तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाने का आह्वान किया है। इससे साफ है कि चाहे वे भाजपा में वापस लौटें या ना लौटें, लेकिन अपने विरोधियों को इस उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए भिंडर पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि भिंडर और गुलाबचंद कटारिया के बीच बयानबाजी हो चुकी है। गुलाबचंद कटारिया ने भिंडर की वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद कई सियासी मायने लगाए भी जा रहे थे। वहीं भिंडर ने कुछ ही दिन पहले भाजपा की आला नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की थी। अब देखना होगा कि जिस तरह से भिंडर सक्रिय हुए हैं, इससे भाजपा को कितना नुकसान पहुंचता है और भाजपा कैसे इस नुकसान से पार पाती है।